हो गई, लेकिन मेरी तरफ से आप सब लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं। आई होप ऑल ऑफ यू ऑल हैव और हैव हैड अ ग्रेट एंजॉयबल एंड सेफ दिवाली। थैंक यू। ग्लैड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। सेम हियर। क्वीन ऑफ द वर्ल्ड कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगी कि क्वीन ऑफ द वर्ल्ड की जो फाउंडर है, जो सीईओ है, उर्मी जी बारुआ जी, शी हरसेल्फ आई थिंक इज़ अ फॉर्मर मिसेज इंडिया, और इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है, और बहुत ऐसे टैलेंटेड महिलाओं को एक अवसर, एक मौका मिलेगा टू पार्टिसिपेट, एंड इट्स रियली अ ग्रेट एंड कमेंडेबल इनिशिएटिव। थैंक यू। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने, उनके प्रेजेंस से आज हमारा ये जो माहौल है वो चकाचौंध लगा दिया। शी इज़ हरसेल्फ अ क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, वी कैन ऑल सी दैट। या एंड यस, ये प्लेटफॉर्म जो है वो सभी तरीके की महिलाओं को, इट्स अ प्लेटफॉर्म टू गेट वुमेन फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ टुगेदर to be real queens. Yeah, and it's not just about beauty or just the exterior, it's also about how they've contributed towards society. Doctors hain bahut talented aur alag alag kshetra se mahilaen hain, so it's about beauty and brains and also service, how they've served mankind and humanity. I think that also counts in this pageant. देखिए, औरत किसी की दादी भी होंगी, किसी की मासी भी होंगी, ये जो चेंज आ रहा है ये कैसे देख रहे हैं? ये पहले से ही था, बस आप लोग नहीं देख रहे थे। ये पहले से ही था, बस अभी अवेयरनेस क्रिएट हो गया है सबसे इमोशनली और फिजिकली। मैं तो कह रही हूँ फिजिकली भी, बिकॉज वी हैव बीन गिवन द वर्च्यू ऑफ प्रोक्रिएशन एंड giving birth to a child, जो आप लोगों में इन सॉरी नहीं है, बट मुझे लगता है औरत नहीं हो तो एक फैमिली कम्प्लीट ही नहीं हो सकती, नॉट ओनली बिकॉज शी इज़ अ प्रो क्रिएटर बट ऑल्सो बिकॉज शी कैन मेक और मार अ फैमिली। एक औरत मल्टी टास्क कर सकती है, एक औरत अपना घर भी संभाल सकती है और बाहर जाके काम भी कर सकती है, और आई थिंक शी हैज़ अ लॉट ऑफ क्वालिटीज़ विच हैवंट बीन एक्नॉलेज्ड। सो फाइनली आई थिंक आप सब लोग अवेयर हो रहे हो कि हम लोगों में कुछ ऐसी काबिलियत है, ये हमेशा थी। लाइक आई सेड, यू ऑल आर जस्ट बिकमिंग अवेयर नाउ। '19 में मेरे 5 प्रोजेक्ट एक साथ स्टार्ट हुए थे, अनफॉर्चुनेटली टूवर्ड्स द फैग एंड ऑफ 2019, और 2019 में हुआन में और जो भी हुआ 20 में, द पैंडमिक हिट द होल वर्ल्ड एंड इंडिया स्पेशली इन मार्च, मेरे काफ़ी प्रोजेक्ट्स मतलब डीले हो गए। तो अभी 2022 में मेरे 3 फिल्में और 3 वेब सीरीज आप को सब आपको दिखाई देंगे, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट 2022। सब है, एक पॉलिटिकल सटायर है, एक थ्रिलर है, एक कॉमेडी है, सो बहुत ही अलग अलग। अनफॉर्चुनेटली वेब्स ऐसा एक मीडियम है जिसके वजह से कंटेंट जो है वो अलग तरीके का, बहुत ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोग एज फार एज द वेब मीडियम इज़ कंसर्न्ड। सो आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड। थैंक यू।
Thank you so much. See you all. Bye. Thank you. Okay. 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 Ok